नमस्कार, चौपाल समाचार की खोज खबर में आप सभी का स्वागत है। आज चौपाल समाचार की खोज खबर टीम पहुंची है पूर्वी चंपारण जिला के फिनहारा प्रखंड अंतर्गत मधुबनी पंचायत में, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं यहां के निवासी और सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहे, आप इन्हें जानते भी होंगे, अजय कुमार यादव जी। अब दर्शकों को हम बता दें कि यह पंचायत जो पूर्वी चंपारण का है, वो जिले का आखिरी पंचायत है जो बॉर्डर के समीप लगता है, और इसके बाद इसके आगे जब आप जाएंगे तो यहाँ पर दूसरे जिला का सीमा आ जाता है। तो अब दर्शकों को ये भी जानना होगा, ये मतलब जानकर मैं बताना चाहता हूँ कि यह पंचायत कई मामलों में विकसित भी है और कई मामलों पर यहाँ पर काम भी होना है, जिसको लेकर अभी हम बात करने वाले हैं। तो आप दर्शकों को ज़रूर कहेंगे कि जरूर यदि आप इस कार्यक्रम को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल से जुड़ जाएँ, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं पेज को लाइक कर लें, इंस्टाग्राम को अगर देख रहे हैं तब भी आप फॉलो करके वहाँ से जुड़ जाएँ। सबसे पहले अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद अजय जी। हम ये जानना चाह रहे हैं, बेसिक जानकारी एक सामाजिकता के बात को लेकर, कि यहाँ अभी आपके पंचायत की स्थिति कैसी है, विकास को लेकर जो पैमाना है जिसमें बताया जा रहा है कि सड़क इतना बेहतर हो गया है, होना चाहिए या इस ये व्यवस्था इतनी बेहतर होनी चाहिए, उसमें आपके पंचायत में सड़क की व्यवस्था कितनी बेहतर है वो हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, सड़क की जो व्यवस्था है वो पूर्ण रूप से अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, जितना भी सड़क है वो सब हुआ है लेकिन बाढ़ क्षतिग्रस्त एरिया है ये, और जब भी अच्छा होता है लेकिन बाढ़ आने के बाद फिर ख़राब हो जाता है। फिर भी हम लोग अपने स्तर से, हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि इधर के हैं, सब लोग प्रयास कर रहे हैं, अभी पूर्ण रूप से कम्प्लीट नहीं है लेकिन सब लोग का प्रयास है कि जितना जल्द हो सके यहाँ जो भी रास्ता बचे हुए हैं, जो लोगों को दिक्कत होती है वो सब लोग मिल करके उस रास्ता को तुरंत ठीक करें। एक बात बताएं, अभी आपके पंचायत में कोई कच्ची सड़क ऐसी बची है जहां पर अभी तक योजना नहीं पहुंची है खरंजा करने का या पीसीसी करने का, ऐसा भी कोई सड़क बचा है क्या आपके पंचायत? नहीं, कच्ची तो नहीं, बड़ा सोलिंग है, अभी पीसीसी करने का भी बहुत सारा योजना बाकी है मेरे पंचायत में, जिस पर जो है कोरोना काल के चलते उस पर नहीं हुआ है, और भी लोग लगे हुए हैं, और कच्ची कोई सड़क अभी है नहीं, सभी में सोलिंग है, और पीसीसी करने के लिए अभी तो ग्राम क्षेत्र में जो भी लोग हैं, छोटे छोटे रोड है, बड़े बड़े भी है, जो अभी बाकी है जिस पर लोग काम करने के लिए हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं कि बन जाए। सड़क की स्थिति को आप बेहतर मान रहे हैं या लग रहा है कि इस पर और काम करने की ज़रूरत है? अभी और काम करने की ज़रूरत है। तो ये है यहाँ पर मधुबनी पंचायत की स्थिति, जो ये बता रहे हैं कि यहाँ सड़क पर और काम करने की ज़रूरत है। तो आप दर्शकों में अधिकारी पदाधिकारी जनप्रतिनिधि जो भी हैं, जो इनकी बात को सीधे सीधे आप सुन रहे हैं, ज़रूर इस पर काम करें और यहाँ बेहतर सड़क बनाएं, और इससे लोगों का विकास होगा। आगे हम जानना चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए कि यहाँ पर आवास योजना की क्या स्थिति है, ये भी जरूरी की योजना है समाज के लिए। ये आवास योजना जो भी सरकार के द्वारा टारगेट जो आती है, हमारे छोटे भाई मुखिया है उनके द्वारा भी और प्रखंड लेवल से भी सभी लोग जितने जनप्रतिनिधि सब मिल करके उस टारगेट को पूरा करते हैं, लेकिन और जो भी निचले स्तर के लोग हैं जिन लोगों का नाम सूची में नहीं है उनको जुड़वाने के लिए सभी लोग और हम कार्यकर्ता के नाते, एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते मांग करते हैं कि इस पर ध्यान दिया जाए, जो लोग छूट गए, जो लोग लाभ के सूची में नहीं है उन लोगों को लाभ दिलवाने का जो ज़रूरत है वैसा काम होना चाहिए, और सरकार से भी मांग करेंगे कि इस पर ध्यान देंगे जी। अभी कितने लोग आपके यहाँ अभी जो छूटे हुए हैं, जो झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं? अभी भी कम से कम 300 से 400 ऐसे लोग हैं जो झोपड़ी में रह रहे हैं जिनका नाम नहीं है। इस बार जो आम सभा करके नए लिस्ट को बनाना था, उसमें क्या आप उन लोगों का नाम जो है सो पंचायत स्तर पर नहीं गया है जो लोग झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं? देखिए, हमारे पंचायत से हमेशा लिस्ट जाता है और हम लोग वरीय पदाधिकारी तक इस बात को जो है आम सभा के माध्यम से या ऐसे भी बैठक के माध्यम से हमारे मुखिया जो है वो भेजते रहते हैं और मांग भी करते हैं। मेरा भी अपना मांग है एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते कि इस पर जरूर पंचायत स्तर पर ध्यान दिया जाए और वैसे लोगों को चिन्हित करके उनको लाभ दिया जाए जी। तो यहाँ पर अभी भी 300 लोग के करीब बचे हैं जो कि झुग्गी झोपड़ी में हैं, तो ये एक बहुत ही गंभीर विषय है जिस पर सभी लोगों को काम करने की ज़रूरत है। तो ये 2022 तक को जो योजना है जिसमें कि सभी लोगों को पक्का मकान करने की बात आ रही है, तो वो पूरा नहीं हो पाएगा क्या आपके यहाँ? देखिए, जो भी उस समय आपको आर्थिक जनगणना के आधार पर उनका टारगेट जो सूची बना हुआ आर्थिक जनगणना के आधार पर, बहुत सारे लोग तो जिनको राशन कार्ड ही नहीं था और राशन कार्ड उस समय आर्थिक जनगणना में सूची में नाम ही नहीं था, तो ऐसे लोग तो छूट ही जाएंगे।
तो इसलिए अब सरकार जो है ना दूसरे तरीके से जो है उन लोगों को चिन्हित कर रही है, उन लोगों को देना चाहती है। और हम मांग भी करते हैं कि जैसे भी हो जो भी योजना आए लेकिन उन गरीबों तक उसका जो आवास योजना का लाभ पहुँचे जो लोग छूट गए हुए हैं जी। चलिए, तो ये स्थिति यहाँ आवास योजना की है। शौचालय निर्माण को लेकर क्या स्थिति आपके यहाँ? शौचालय निर्माण में हमारे यहाँ भी बहुत शिथिलता जो है हमारे पंचायत में बढ़ता जा रहा है। बहुत सारे लोगों का पेमेंट हो गया है, बहुत सारे लोगों का पेमेंट नहीं हुआ है। बहुत सारे लोग अभी भी शौचालय बनाकर इंतजार कर रहे हैं, उन लोगों का जियो टैग नहीं हुआ, पेमेंट नहीं हुआ है। तो हम मांग भी करते हैं उन लोगों से कि शौचालय पर ध्यान दिया जाए, जो लोग बना चुके उनको पेमेंट करवाने का कार्य जो है वो, और सामाजिक कार्यकर्ता के नाते हम मांग करते हैं कि उन लोगों का पेमेंट तुरंत जिन स्तर पर बचा हो उन लोगों का करने का मैंने कष्ट करे सरकार जी। अच्छा, तो ये पंचायत अभी खुले में शौच मुक्त नहीं हुआ है? ये शौच मुक्त हो गया है, शौचालय तो सभी घरों में बन गया है, लेकिन पेमेंट का जो बात है वो पेमेंट सबका नहीं हुआ है। पेमेंट का लेकर के जो प्रक्रिया है वो पूरा नहीं हो सका है और उन लोगों को पेमेंट नहीं पहुंच रहा है। ऐसे हमारा ये जो पंचायत है वो आपको शौचालय से उनके सभी परिवार में शौचालय बन चुका है, लेकिन पेमेंट की प्रक्रिया में वो थोड़ी धीमी है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। सार्वजनिक शौचालय भी बना है, जिन लोग ऐसे लोग जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती है उनके लिए सार्वजनिक शौचालय बन रहा है। अभी हमारे पंचायत में भी बन रहा है, कुछ जगह पर बन भी गया है, और कुछ ज़मीन का मतलब प्रॉब्लम है, जहाँ जहाँ ज़मीन नहीं है वहाँ निजी ज़मीन में हम बना नहीं सकते, तो इसलिए उस पर भी काम चल रहा है। वो निजी शौचालय भी जो बन गया था उसके बाद सार्वजनिक शौचालय है वो बनने का प्रयास, जहाँ जहाँ रुकावट है वो हम लोग दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। इसकी उपयोगिता को लेकर आप कुछ कहना चाहेंगे, जिसमें कि लोग जो भी जिनके पास शौचालय बना है उपयोग कर रहे हैं या अभी भी बाहर जा रहे हैं खुले में? नहीं, जिन लोगों के पास जगह नहीं है, जो लोग थोड़ा बहुत इधर उधर जो सार्वजनिक शौचालय उन्हीं लोगों को बनना था, तो जो शौचालय बना लिए हैं उपयोगिता के लिए करें तो उसमें से 95% लोग हैं जो उपयोगिता कर रहे हैं। 5% जो लोग हैं अभी भी थोड़ा बहुत कर रहे हैं, जिन लोगों पर हम लोग हमेशा उनको समझा करके शौचालय यूज करने के लिए बता रहे हैं उसको। तो ये भी शौचालय योजना की जो स्थिति इन्होंने बताई कि यहाँ पर पेमेंट को लेकर समस्या है, तो आप दर्शकों के माध्यम से जरूर हम अपील करना चाहेंगे, क्योंकि स्वच्छता को लेकर जितनी जागरूकता फैली, जैसे लोगों ने शौचालय बनवाया तो पेमेंट भी उनके खाते में आना चाहिए। और यदि कोई भी समस्या है तो मुझे लगता है, और यहाँ के जो इनसे भी बात होकर लग रही है कि उसमें कुछ ना कुछ जो कर्मचारी हैं जो उससे संबंधित अधिकारी पदाधिकारी हैं उनको लेकर ध्यान रखने की ज़रूरत है, तभी यह काम संभव हो जाएगा। क्या यही दिक्कत है ना? बिल्कुल, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। और कार्यकर्ता जो हम लोग घूमते हैं फील्डों में जाते हैं, सभी सामाजिक वर्गों में जाते हैं, वहाँ पर पता लगाते हैं, तो यही पता लगता है कि पैसा जो है उन लोगों का सही समय पर नहीं जा रहा है। और उसमें जो ब्लॉक के जो भी पंचायत लेवल जो कर्मचारी है उन लोगों के शिथिलता बरतने के चलते उन लोगों का पेमेंट नहीं हो रहा है जी। अच्छा, आप एक बात बताएं, अभी राशन कार्ड को लेकर क्या स्थिति आपके पंचायत में? आप चूंकि समाज में रहते होंगे तो यहाँ पर जानकारी जरूर होगी आपको, राशन कार्ड की क्या स्थिति? जो राशन कार्ड की स्थिति ठीक है, कुछ लाभुक अभी ऐसे हैं जिन लोगों का अप्लाई हुआ है लेकिन बना नहीं, वो लोग रात दिन दौड़ते रहते हैं, उन लोगों पर थोड़ा सा हम लोग कहेंगे कि उनको ध्यान देकर के वैसे लोग जो छूटे उनका राशन बन जाना चाहिए। ऐसे भी राशन के लिए हमारे पंचायत में बहुत अच्छा स्थिति है, इस मधुबनी में, मधुबनी पंचायत का जो स्थिति है राशन में ठीक है। कुछ लोगों का अभी कार्ड जो नहीं बना है या नहीं मिला उसके प्रति उन लोगों का थोड़ा सा ये है, क्रोध है कि हम लोगों को कार्ड नहीं मिल रहा है, तो हम मांग भी करते हैं उनको तुरंत कार्ड जो है अविलंब उन लोगों को मिलना चाहिए जी। अच्छा, ये कार्ड की जो समस्या बताई आपने, इसको लेकर आपने कभी बात किया है संबंधित अधिकारी से, कार्यकर्ता के रूप में? तो सर, यहाँ प्रखंड लेवल से जो भी पदाधिकारी उसमें है वो बोलते हैं कि हम अनुमंडल लेवल पर चले गए, अनुमंडल में बात करते करते हम बना दिए हैं, लेकिन जिस भी स्तर से अगर बाकी है तो उन लोगों को उनका काम हो जाना चाहिए, तभी उनको पूरा रूप से जो है ना लाभ मिलेगा। तो इसको लेकर के भी इनका आग्रह है कि जरूर इस पर कार्ड, जो राशन कार्ड इस पर गरीब लोगों को भोजन मिलता है, जिसको राशन मिलता है, तो उसको लेकर भी काम यहाँ पर शिथिल है, तो जरूर करने की ज़रूरत है। आप एक बात बताएं, अभी आपके यहाँ जो सात निश्चय योजना है इसको लेकर क्या स्थिति? सात निश्चय योजना में हमारे यहाँ पूर्ण रूप से जो है सभी वार्डों में पानी सप्लाई हो रही है, सभी लोगों को घरों में पानी मिल रहा है, नल का जल मिल रहा है, उसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं। जो नली गली थी, जितना गवर्नमेंट ने जो दिया, सभी नली गली जो बचे हुए काम है उसके लिए पैसा सरकार देगी, तो और काम जो है इस पंचायत में बढ़ेगा। बाकी कोरोना काल के चलते बहुत थोड़ा सा काम धीमी हो गई थी। नल जल का जो स्थिति है सभी वार्डों में हमारे यहाँ अच्छी तरह से अब इससे संतोष हाँ संतोषजनक है, सभी घर में पानी चल रहा है जी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, इसके बारे में भी आप कुछ जानकारी रखते हैं अपने समाज को लेकर?
सामाजिक पेंशन में हमारे मुखिया जी जो है जगह जगह कैंप लगवाकर हर वार्ड में अपना अपना वार्ड सदस्य के माध्यम से ऑनलाइन कराकर सभी को पेंशन दिलवाने का काम कर, उनके नॉलेज में जो घूमते हैं उनके नॉलेज में जो आता है वो सभी लोगों को पेंशन दिलाने का काम कर रहे हैं। थोड़ा बहुत जो लोग अभी छूटे हुए हैं उन लोगों को पहचान करा करके उनको लाभ जो पेंशन का है वो मिलने के लिए वो तैयारी करवा रहे हैं। तो आप दर्शकों को ये जानकारी मैं सीधे सीधे मधुबनी पंचायत में आकर मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूँ। यहाँ पर अजय जी हमारे साथ बैठे हैं और ये अपनी सारी जानकारी जो इनके नज़र में जो एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जो आई है वो आपके सामने सीधे सीधे रख रहे हैं। अजय जी, एक बात और हम जानना चाहेंगे कि आपके पंचायत में कोई ऐसी एक समस्या जिसको लेकर आप लोग चाहते हो कि इसमें बदलाव होना चाहिए, वो क्या होगा हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, सबसे बड़ा बदलाव है कि मेरे पंचायत में अभी हाई स्कूल हो गया, वहाँ टीचर नहीं है, तो इसलिए हमारे पंचायत के लड़के जो बाहर जा रहे हैं उसके लिए हम लोग जागरूक हैं। और आपके माध्यम से हम सभी पदाधिकारी एवं सभी लोगों से आग्रह करते हैं कि जितना जल्द हो सके चुनमुनिया हाई स्कूल जो हो गया उसमें टीचर का बहाल हो। दूसरी चीज़ है, हमारे यहाँ पर ग्राम पंचायत भवन नहीं है, हम उसकी मांग करते हैं। जो लोग इधर उधर टहलते हैं, जो कर्मचारी नहीं रहते हैं, जगह नहीं है बैठने का, और जो लोगों को कठिनाई होती है पंचायत में पंचायत भवन का, वो हो उसकी मतलब दूर करना, और उसकी मांग करते हैं कि इस पर सरकार ध्यान दे, पदाधिकारी ध्यान दे, जो भी लोग हैं उस पर ध्यान देकर ही दूर करें। तीसरा एक मेरा मांग है कि स्वास्थ्य उपस्वास्थ्य केंद्र हमारे यहाँ जो मड़ई में चलता है उस पर भी सरकार का ध्यान होना चाहिए कि सभी पंचायतों में उपस्वास्थ्य केंद्र बन रही है, हमारे पंचायत में क्यों नहीं बन रहा है, उसका कारण क्या है, और लोगों को दवा के लिए कुछ के लिए जाना पड़ता है। इसलिए स्वास्थ्य केंद्र का हम मांग सरकार से कर रहे हैं। हमारे मुखिया जी के लेवल से जो भी पंचायत स्तर का जो काम है वो प्रोफाइल आगे तक फाइल चला गया है हर चीज़ के लिए, लेकिन अभी उस पर सुनवाई नहीं हो रही। हम मांग करते कि इस सब पर ध्यान दिया जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे कार्यक्रम में भाग लिया। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये हमारी पहली मुलाकात, इस पंचायत में हम पहली बार आए हैं और अजय जी से भी हमारी बात हो रही है, तो इन्होंने वो सारी बेसिक जानकारी आप तक पहुंचा दी है। अभी तीन मांग जो इन्होंने रखी है उसकी, एक पहले सबसे पहले कि चुनमुनिया हाई स्कूल जो ये बता रहे हैं उसमें टीचर का अभाव है, जहाँ बच्चे को शिक्षा के जो शिक्षा के लिए वहाँ पर लोग बच्चे जाने चाहिए थे वो नहीं जा पा रहे हैं, तो ये एक समस्या है। साथ ही साथ यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र को लेकर भी समस्या इन्होंने बताई कि उप स्वास्थ्य केंद्र हर पंचायत में तो होना ही चाहिए, तो ये भी ज़रूरी की चीज़ है। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान रखते हुए हम आप दर्शकों के माध्यम से ही ज़रूर अपील करना चाहेंगे, क्योंकि हमारे दर्शक सभी के सभी जरूर कहीं ना कहीं से समाज के कार्यों में जुड़े हुए हैं, कोई अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, तो हर स्तर से आप सभी इस समस्या को लेकर काम करेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इस पंचायत में वो सारी समस्या दूर हो जाएगी जो अभी इन्होंने बात बताई है। अब दर्शकों से ये भी अपील करना चाहेंगे, क्योंकि ये कार्यक्रम पूरा का पूरा सामाजिक है, ये किसी व्यक्ति विशेष को लेकर नहीं है, इसीलिए मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि इन्होंने जो बात बताई अपने स्तर से, यदि आपको लगता है कि यहाँ और कुछ बदलाव होना चाहिए तो कमेंट जरूर करें, या हम आपसे ये भी कहेंगे कि यदि आपको कोई और प्रश्न भी जानना है, पूछना है, तब भी कमेंट करें और फिर हम आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब इस पंचायत से लेकर आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। अजय जी, आखिरी में अभी कोरोना की वैश्विक महामारी भी लोग झेली रहे हैं, बाढ़ की विभीष का भी लोगों ने देखी है, इसको लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे अपने समाज के लोगों? सभी समाज के लोगों से ये अपील करेंगे कि आप सभी लोग जहाँ भी हो अपना कोरोना से बचते हुए मतलब उसका व्यवस्था करते हुए मास्क वगैरह लगाकर सैनिटाइजर और हाथ साफ सुथरा करके परिवार को और अपने बच्चे अपने परिवार को बचाइए, और सही लग्न से अपने परिवार के जो पालन पोषण में कार्य कर रहे हैं करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपके जो भी इस लोकल क्षेत्र में पंचायत स्तर पर जो होने वाला है जो भी कार्यक्रम, उस सबको जो है आप लोगों के माध्यम से पहुँचाया जाएगा, और हमारे जो अभी यहाँ के जनप्रतिनिधि जितेंद्र यादव मुखिया हैं वो आप लोगों के साथ रहेंगे। कोरोना से आपको कोई डरना नहीं है, सिर्फ उसका व्यवस्था करना, उसे बचाव करना, यही मेरा आग्रह है सभी लोगों से। पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी जानकारी को लेकर हम आगे भी आते रहेंगे इस आशा के साथ। आज के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन नदीन कुमार के साथ मैं हूँ अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।